हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो में हम मोरपेन लैब्स के इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कितना स्टीप एक राइज यहां पर हमने देखा है। पिछले कुछ दिनों में ही करीबन 40 से 45% का राइज आया है इस मोरपेन लैब्स के इस स्टॉक में। हम इस स्टॉक को एक डीपर टाइम फ्रेम में जाकर भी एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि 3 आवर टाइम फ्रेम में इसने कितना रिट्रेसमेंट लिया है। तो देख सकते हैं 3 ईयर टाइम फ्रेम में आज का मूवमेंट जो है वो इस प्रकार का रहा है। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हुए हम सबसे पहले इसका मंथली टाइम फ्रेम देख लेंगे, क्योंकि ये एक मेडिकल रिलेटेड स्टॉक है, मतलब फार्मा रिलेटेड स्टॉक है। और फार्मा में हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स पिछले साल इसी समय पे आई थी और उसके बाद में किस प्रकार से मूवमेंट्स रही है वो भी हम देखते हैं। तो ये देखिए 2018 से अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक जो है वो नीचे जाते रहा है टिल दिस टाइम, यानी ये टाइम जो था ये COVID-19 का टाइम है, पिछले साल मार्च अप्रैल का महीना। और कोविड के इस बड़े फॉल में आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल है। ये यहाँ पर करीबन 40 प्राइस लेवल थी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करीबन 8 से 10 के पास आसपास ये है, मतलब 40 से स्टॉक जो नीचे गिरा है तो सीधा 10 पे आके रुका था पिछले साल। और उसके बाद में ये 40 का जो लेवल है ये उसने फिर से एक बार अटेन कर लिया। तो और ये 40 का जो लेवल है ये एक्चुअली इसी महीने में, यानी करंट मंथ में, यानी अप्रैल 2021 में ये पिछला जो हाई था इसको मोरपेन लैब्स के इस स्टॉक ने पास कर दिया है। अब ये 2 दफ़ा ये हाई बनाया है, ऐसे नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वही 40 का ही लेवल है और वहीं पर ये हाई बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स हम कोई भी प्रकार के टिप्स कॉल्स फॉर्चून टेलिंग का काम नहीं करते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, हम सिर्फ यहाँ पर एक स्टडी प्रेजेंट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, प्राइस एक्शन की, डिमांड सप्लाई जोन्स को पहचानते हैं और रिट्रेसमेंट्स को पहचानते हैं, फिबोनाची लेवल्स को पहचानते हैं और वो सारा स्टडी जो है उसका एक फिर हम एक कह सकते हैं कंक्लूजन निकालते हैं कि आप किस प्रकार से एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रखने में भी आपको प्राइस एक्शन ही हेल्प करता है। आप अपने मन से कोई भी मनगढ़ंत स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कभी भी फेवरेबल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टॉप लॉस से लेकर के एंट्री एग्जिट वो हम इस मोरपेन लैब्स के इस स्टॉक पे अप्लाई करेंगे। और फिर टिल द वीडियो एंड्स यू विल हैव अ वेरी गुड पिक्चर अबाउट हाउ टू ट्रेड। आप जल्दबाजी भी नहीं कर सकते क्योंकि पिछले 2 दिनों में अगर 30-40% का राइज आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और आगे ऊपर स्टॉक जाएगा। ऊपर तो स्टॉक जाएगा लेकिन उसका बाय लेवल जो है वो आपको सटीक तरीके से पहचानना ज़रूरी है। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम हम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसलिए देखते हैं ताकि हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू मिल जाए। लॉन्ग टर्म व्यू हमें एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करेगा या फिर हमें सिर्फ ट्रेडिंग के ट्रेंड को जानने में हेल्प करेगा। तो फिलहाल हम लॉन्ग टर्म व्यू क्या समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ट्रेंड है ये इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो इस प्रकार से ऊपर जा रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पर बुलिश है और हमें यही ट्रेंड चाहिए जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, खास करके अगर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। तो अगर हम शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो फिर हमें चाहिए कि ये जो स्टॉक है वो नीचे जाए, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ से हम ये कंक्लूजन डेफिनेटली निकाल सकते हैं मोरपेन लैब्स के इस स्टॉक में कि लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, इसीलिए ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो हमारे साथ है। डाउ थियोरी को काफ़ी अहमियत दी गई है टेक्निकल एनालिसिस में। चार्ल्स डाउ को फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है और उनका पहला सिद्धांत ये कहता है कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है और आपका प्राइमरी जो प्राइमरी सिग्नल है वो हमेशा बुलिश रहना चाहिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर कंफर्म होती है। तो यहाँ पर एक थम्सअप है, ये चीज़ हमने कंक्लूड कर ली कि ट्रेंड हमारे साथ है, ट्रेंड बुलिश है। और साथ में हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि पिछले 2 हाईज जो कि अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ रहे हैं, हम बाद में ट्रेंड लाइन ज़रूर निकालेंगे जब हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 30 से 40 के बीच में, यानी जस्ट अराउंड 36 यू कैन से दिस लेवल ऑफ 36, यहाँ पर ये लेवल तीसरी दफ़ा यहाँ पर उसके पास आया प्राइस और उसने उसको ब्रेक आउट कर दिया। ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेक आउट हुआ है।
और ये ब्रेकआउट के वजह से ही प्राइस जो है वो आज ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हमें नज़र आ रहा है। तो ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद में अब हम आगे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा हम जूम इन करते हैं इस प्रकार से, सो दैट ज़्यादा टाइम फ्रेम हमें नज़र आए। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में बात एक और साफ हो जा रही है बात यहाँ पर कि ये एक चैनल में, मतलब इस प्रकार से अगर ये लाइन आप निकालते हैं तो ये बन जाता है सपोर्ट। तो ये है आपका सपोर्ट इस वीकली टाइम फ्रेम का। और साथ ही में अगर आप कुछ इस तरीके से इस लेवल को मार्क करें तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो आइए हम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइंस ही निकाल लेते हैं सो दैट कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और हम प्राइस लेवल्स को पहचान पाए। तो ये इतना देखने के लिए हमें सफिशियंट है। तो आइए चलते हैं और ट्रेंड लाइंस मार्क कर लेते हैं चार्ट पे, जो हमें डेली टाइम फ्रेम में भी काम में आएगी और हमें फिर से ट्रेंड लाइन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं ये एक पॉइंट यहाँ से पकड़ के इस तरीके से मार्क करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन बनती है। लेकिन क्या ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है? नहीं, ये वैलिड ट्रेंड लाइन नज़र नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ये टच पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टच पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसको हमें थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। और अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं तो फिर बहुत सारे टच पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टच पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट है, ये है, ये है, यहाँ पर एक शैडो है और यहाँ पर भी काफ़ी है। तो ये बन जाता है आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और उसके बाद हम रेजिस्टेंस लेवल भी कुछ हद तक यहाँ निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनता है, हालांकि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये एक फेक ब्रेकआउट प्राइस ने दिया है। तो ये एक ट्रेंड लाइन, एक टच, दो, तीन, चार बार यहाँ पर हुआ है और उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो ये लाइन बन जाती है हमारी रेजिस्टेंस लाइन और ये है सपोर्ट लाइन। और अब क्या हुआ है कि ये जो लेवल था, हमने देखा कि ये लेवल जो है वो पिछले कई सालों से, 5-6 सालों से वैलिड था और उसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुका है। ऑल राइट, अब ये वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें नज़र आ रहा है कि ये ब्रेकआउट जो है ये एस्टैब्लिश हो चुका है। अब ट्रेंड लाइंस हमने जो निकाल ली है वो वैसे के वैसे ही रहेगी और हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो ये है फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में अब हम हमें ये नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो उसके EMA 21 से, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज का कर्व है, ये ब्लैक कर्व जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व है ये है हमारा EMA 55। ये ब्लैक कर्व जो है ये EMA 55 है। और अगर आप इस पे ध्यान दें तो इस कर्व पे प्राइस रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। यहाँ पर भी ब्लैक कर्व पे प्राइस है, यहाँ पर भी है, थोड़ा नीचे आया यहाँ पर लेकिन ऑलमोस्ट वहीं पर है, यहाँ पर एग्जैक्ट है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट है और यहाँ पर भी एग्जैक्ट है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट है। तो इस ब्लैक कर्व यानी EMA 55 के ऊपर में प्राइस सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, उसका सपोर्ट लेते हुए आगे चल रहा है, राइट। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि ब्लैक कर्व ये है यहाँ पर और हमारा प्राइस जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पर। तो क्या ये एक नॉर्मल सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं। ये कर्व जो है ये एक एवरेज है, ये एक एवरेज दिखाता है प्राइस का। और अगर कोई भी चीज़ उसके एवरेज से बहुत ऊपर या नीचे चले जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर या नीचे चली गई, ये बहुत ज़्यादा उसके एवरेज से दूर चली गई है, तो फिर उसको उसके एवरेज के तरफ वापस आना चाहिए। सादा सिंपल कॉमन सेंस या बेसिक मैथमेटिक्स भी आपको ये बताता है कि कोई भी चीज़ उसके एवरेज से बहुत दूर अगर चली जाती है तो इट टेंड्स टू कम क्लोज टू इट्स एवरेज। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्व हमने की है और इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इज़ नॉट वेरी क्लोज टू द एवरेज, हेंस इट इज़ अ ओवर एक्सटेंशन। प्राइस जो है वो ओवर एक्सटेंडेड हो गई है यहाँ पर। तो अगर प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई है तो हमें ये पता करना है कि वो नीचे अगर आती है तो कहाँ तक रुक सकती है। इसीलिए जो बेस्ट टूल हमें ये चीज़ के बारे में जानकारी देगा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क करने के लिए हमें इम्पल्सिव वेव को मार्क करना है। तो अगर मैं ये नीचे वाला पॉइंट लूँ और ये मेरा इम्पल्सिव वेव जो है वो आज का हाई 55 का जो लेवल है वहाँ तक अगर मेरा हाई जाता है, तो फिर से एक बार हमें करना होगा, ये यहाँ से ये जो लेवल है 55 का, या मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ, ये 55 का जो लेवल है ये यहाँ तक हमारा इम्पल्सिव वेव है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें पता चल रहा है कि 38% और 50% ये दोनों लेवल्स कहाँ पर है। 38% जो है वो है 48 point something के ऊपर, ऑलराइट। तो ये है 38% 48, यानी ये वाला जो लेवल है ये है 48 और ये वाला जो लेवल है ये है 46, मतलब ये। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये बताता है कि एक बार ओवर एक्सटेंडेड अगर हो जाता है प्राइस, तो फिर वो एक तो 38% पे, यानी यहाँ पर आप ये जो 0.382 देख रहे हैं या फिर ये 0.5 देख रहे हैं वहाँ पर, यानी 38% पे या फिर 50% में रुकना चाहिए, या फिर 61% ये उसका लास्ट स्टॉप रह सकता है। तो ये जो तीन लेवल्स हैं 48, 46 और यहाँ पर है 44, मतलब दो दो पॉइंट्स के डिफरेंस में हम कह सकते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट कर रहा है। अभी फ़िलहाल प्राइस जो है दैट इज़ एट 49.7 पे प्राइस है। इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो आई थिंक एनी प्राइस बिटवीन 46 and 48, ये दोनों के बीच का जो लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ सकते हैं 47, यानी ये जो रीजन है ये जो रीजन रहेगा, इस रीजन में आपका एंट्री पॉइंट अभी भी मार्क करके रख सकते हैं। मतलब 47 के आसपास अगर आपका एंट्री पॉइंट मार्क करते हैं तो फिर यहाँ पर इस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए और वहाँ से फिर एक बार उसने ये सपोर्ट हासिल कर लिया, यहाँ पर सपोर्ट एस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जा सकता है। ये है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस जो हम यूजुअली देखते हैं। बाकी भी जितने भी स्टॉक्स हमने स्टडी इस चैनल के ऊपर किए हैं, आप प्रीवियस वीडियोज भी रेफ़र कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस प्रकार से वर्क करता है और यही एक्सपेक्टेड है कि आप 47 के आसपास अगर आपका प्राइस लेवल रखें तो वहाँ से अगर एक साइडवेज 47 पे आते बराबर आपको यानी उसको ट्रिगर नहीं करवाना है। मैं जब कह रहा हूँ कि आपको उस लेवल को मार्क करके रखना है, मतलब आपको ऑर्डर डाल के नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक आपको नोटिफिकेशन आ सकता है आपके ट्रेडिंग टर्मिनल से कि प्राइस 47 आ गया है। जब वहाँ पर आता है तभी भी आपको वेट करना है। और आपको वेट करके क्या देखना है कि 47 पे आने के बाद क्या, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया प्राइस यहाँ पर, तो उसके बाद की एक्टिविटी क्या एक साइडवेज एक्टिविटी है, इस प्रकार की एक्टिविटी है, या फिर यहाँ से थोड़ा आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मतलब नीचे आने के बाद थोड़ा कन्फर्मेशन आना चाहिए, आप नीचे आते बराबर उसको लेंगे तो फिर हो सकता है कि वहाँ से भी वो नीचे जाते रहे। इसलिए आप थोड़ा लेट ले उसको, हो सकता है जहाँ पर आपको 10% प्रॉफिट मिलना है हो सकता है वहाँ पर आपको सिर्फ 7% ही मिले, लेकिन ये आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस बताएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस 47 पे ही खरीद ले और ऊपर चले जाए, बट दिस इज़ नॉट अ हाई प्रोबेबिलिटी केस। थोड़ा आप वेट करें, साइडवेज मूवमेंट अगर आता है मतलब सपोर्ट एस्टेब्लिश हो गया है और ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया एक प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हम यूजुअली बात करते रहते हैं जिस चीज़ की, वो ये है कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, ऑलराइट, ये लेवल का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसीलिए रीटेस्ट थियरी हमें ये बताता है कि ये प्राइस जो है वो गिर के यहाँ पर आकर के एक रेस्ट ले सकता है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस का सपोर्ट ले सकता है और फिर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ से मार्क हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 47 पे अगर प्राइस नहीं रुकता है या साइडवेज जाने की कोशिश नहीं करता है तो फिर आप वेट करें और इस लाइन तक प्राइस को आने दें। अब ये लाइन जो है ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये इंक्लाइंड लाइन है, इसलिए इसका कोई एक प्राइस लेवल नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि ये इतना रीजन, यानी ये 44, 45,
46 के आसपास, यानी 44-45 के आसपास ये यहाँ पर इस रीजन में आ सकता है प्राइस, और यहाँ से फिर ये बाउंस ले सकता है। सो बाउंस फ्रॉम द रीटेस्ट इज़ अ वेरी वैलिडेटिंग थिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ ट्रेडर। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो 47 में आप अगर साइडवेज मूवमेंट होता है तो एंट्री ले लें, या फिर 44 पे तो उसको सपोर्ट लेना ही है, क्योंकि इतना बड़ा अगर ये हुआ है तो ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारा मोमेंटम है और काफ़ी सारे वॉल्यूम्स में भी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे वॉल्यूम्स में भी है, इसीलिए मोमेंटम आ गया है मोरपेन लैब्स में, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स एज ऑन करंट प्राइस भी एंट्री ले सकते हैं, उस केस में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इंटैक्ट रखना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस जो है उसको बराबर से मेंटेन करते हुए रखना पड़ेगा। ऑल राइट, अब ये हमने समझ लिया एंट्री के बारे में, अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो फ्रेंड्स, अगर ये इस रीजन में प्राइस आता है तो ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आप थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा नीचे इन द सेंस क्यों, क्योंकि कभी भी प्राइस जो है वो थोड़ा नॉइज क्रिएट करता है और फिर वो मतलब एक सर्टेन रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन के आसपास वो नॉइज़ क्रिएट करता है, तो वो नॉइज़ की वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, इसलिए आप थोड़ा नीचे इस ट्रेंड लाइन के आप रख सकते हैं। अगर 47 पे आप एंट्री ले रहे हैं तो फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी 2:1 जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसका फ़ायदा लेना पड़ेगा, और जितना भी टारगेट आप एम कर रहे हैं, अगर आप दो यूनिट्स का टारगेट एम कर रहे हैं, 2% का मान लीजिए, तो 1% या 1 यूनिट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 47 के केस में आपको इस प्रकार से स्टॉप लॉस रखना है, और अगर रीटेस्ट होता है यहाँ पर तो आपको इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे नॉइस रिड्यूस करके आपको आपका स्टॉप लॉस रखना है। अब टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जो स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई जो 55.32 का यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपका टारगेट नंबर 1 रहेगा। टारगेट नंबर 1 ये स्विंग हाई रहेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आके फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर आप 47 से 55 भी जाते हैं तो ये करीबन 10% से भी ज़्यादा का, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है आपको मोरपेन लैब्स के इस स्टॉक में। ये आपका टारगेट 1 है, और उसके बाद फिर टारगेट 2 की बात हम ऊपर की तरफ जब प्राइस आएगा तब कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट बी ग्रीडी एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ मोर देन 10%। आई थिंक 10% प्रॉफिट इज मोर देन इनफ एंड इट विल बी अ गुड बाय फॉर यू इन द स्टॉक ऑफ मोरपेन लैब्स। तो ये हो गया एक ब्रीफ में विश्लेषण इस मोरपेन लैब्स के स्टॉक का, और यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक रिट्रेसमेंट वहाँ पर आता है, उसके चलते हुए आप एंट्रीज जो है उनको सटीक तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड अगर आपको वैल्यूएशन हो रहा है इस टेक्निकल एनालिसिस से तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विल बी सीइंग यू सून।